डॉक्टर अजय आलोक, अजय पहले तो आपने राहुल गांधी को बर्थडे विश किया या नहीं किया भाई? चलिए आपके चैनल से कर देते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो राहुल गांधी जी को। हाँ, आज 55 साल के चिर युवा हो गए फिर से। हाँ तो अब अच्छा चलिए यही रुक गए आप, देखिए दो लाइन में आप उनको बधाई दे रहे हैं, आगे आइए ये बताइए अचानक राहुल गांधी ये इंटरव्यू क्यों देने लगे इतने सारे नतीजों के बाद? उर्दू का शब्द है, हिंदी में दीजिए शुभकामनाएं, हिंदी में कहिए शुभकामनाएं, उनके उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे बोलिए। मुबारक तो उर्दू में मुसलमान बोलते हैं, मुबारक तो तो जिसको जो भाषा समझ में आएगी वही भाषा बोलूंगा ना। ये भाषा ज्यादा अच्छे से समझते हैं वो। आपको क्यों कष्ट हो रहा है भाई, मुसलमान पे आपका कॉपीराइट हो गया क्या? राहुल गांधी को घुसने नहीं दे रहे हैं अभी से? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ये व्यंग हम पे करती रहती है, हम इसलिए याद दिला रहे हैं आपको। हाँ तो अजय, हाँ तो ये राहुल गांधी अचानक इंटरव्यू क्यों देने लगे आपको क्या समझ में आ रहा है नतीजों के बाद अब? नहीं नहीं, मुझे तो समझ में आ रहा है कि पिछली रोटी खाए हुए हैं, चुनाव के दौरान लोग इंटरव्यू देते हैं, चुनाव के बाद इंटरव्यू दे रहे हैं। आपने भी कहा कि राहुल गांधी को अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा, 20 साल राजनीति में हो गए, 55 साल की उम्र हो गई, अभी स्थापित ही करना पड़ेगा, तो सब कुछ अभी करना पड़ेगा, अभी बहुत लंबा करना पड़ेगा, जब करते ही रहेंगे तो करते रहे तो ठीक है, अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका अपना स्टाइल है। वैसे जो आपका डिबेट का शीर्षक है उस पर गालिब का एक शेर बड़ा अच्छा है, ये उम्मीदों का काफिला भी अजीब है, वहीं से गुजरता है जहां रास्ता ना हो। मोदी सरकार नाजुक है, मोदी सरकार गिर जाएगी, मोदी सरकारी हो जाएगी, ये हल्की बातें होती हैं। मैं जानता हूं आपको इस पे डिबेट करने का मन नहीं किया होगा कि ये हल्की बात है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, सबसे बड़े दल है, ऑपोजिशन है, राहुल गांधी उसके नेता है, तो आपको करना ही पड़ेगा, आपकी भी मजबूरी है। गंभीर व्यक्ति सरकार गिराने की बात नहीं करते, सरकार गिरा देते हैं, ठीक है ना? आवाज करके शोर करके शिकार नहीं किया जाता है, ये सलाह है मेरी, शेर भी घात लगा के ही शिकार करता है शांति से। तो अगर ऐसा कुछ करने की इच्छा है तो शांत हो जाइए, चित्त मन से रहिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये चंचल मन और चंचल प्रवृत्ति से कुछ नहीं होने वाला है। अब ये बताइए बैंकॉक कब जा रहे हैं मेडिटेशन करने, उसकी जरूरत है उनको, बहुत मेहनत हो गई। जहां तक रही हमारे सहयोगियों की बात, ये चुनाव पूर्व गठबंधन है, ये चुनाव के बाद हुआ गठबंधन, सरकार जोड़ तोड़ के नहीं बनाई गई है, ये सरकार चुनाव के पहले ही बनी हुई थी और ये सब इस सरकार का हिस्सा थे, जैसे 14 में भी हिस्सा थे, 19 में भी हिस्सा थे, अब 24 में भी हिस्सा है, तो ये मजबूत सरकार है, मजबूर सरकार नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का अगर आप उसको खराब प्रदर्शन मानती हैं तो ये हमारा तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, 303, 282, 240, और आपके मैं समझ सकता हूं कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा हीमोग्लोबिन मिला, दुगना बताने लगे कि लगभग दुगनी हो गई, पहाड़ा भी भूल गए कि 52 या 54 थे, दुगना 108 या 104 होता है, अभी तो 99 का ही चक्कर हो गया। अच्छा भाई 10 वर्ष हो गए, 3 चुनाव। अच्छा हो गए, आप तो डॉक्टर हैं, में नहीं आ रहे और आप अच्छा, सरकार आप तो डॉक्टर हैं, अद्भुत है। कांग्रेस का एचबी कितना है अभी और नॉर्मल रेंज से कितना कम है हीमोग्लोबिन? नहीं अभी भी एनिमिक है कांग्रेस, वो सीवियरली एनिमिक है, बीच में तो वेंटिलेटर पे थी, लगा था कि नहीं बचेगी, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूव करके अभी 4-5% पे आ गया है। हाँ। अभी बहुत आगे जाना है, अभी तो नॉर्मल में भी नहीं आए हैं। आपने अभी और अभी देखिए तो सही, अभी आगे आगे होता है क्या? हाँ। अभी तो चुनाव राज्यों के चुनाव इसी पे ला रहा था, उत्तर प्रदेश में घूमेंगे तब भाटी जी जरा देखेंगे। अजय मैं आपको इसी 403 सीटों पर धनवाद यात्रा स्थगित क्यों कर दी गई, जरा भाटी जी से पूछिए। मैं आपको इसी पर ला रहा था, थोड़ी देर पहले आपने इशारा किया ना, शेर घात लगाकर शिकार करता है, शांत हो जाता है, कहता नहीं है, करके दिखाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके खेमे में भी बिल्कुल वही तैयारी चल रही है जो उनके खेमे में चल रही है? वो आपके लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और करके आप दिखा देंगे, ये तो इशारा नहीं है? मानक जी ऐसा है ना कि हम सत्ता में हैं, वो सत्ता में नहीं है, हम मजबूती से सत्ता में हैं और हम देश का विकास कर रहे हैं, देश का काम कर रहे हैं, ये आपस में मारधार कर रहे हैं तो करते रहे मारधार, उससे क्या फर्क पड़ता है? जिसको हमारे साथ आना होगा सबसे पहला तो आपको दिख जाएगा अभी, जिस दिन हम बहुमत साबित करेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पे। कहने को एनडीए 292 या 293 है, देखिएगा कितने पक्ष में वोट पड़ते हैं। yes. उसी दिन डिबेट होगी। आपने पिछली बार भी कहा था, आपने पिछली बार भी मेरे शो पर कहा था 303 तो यूं ही हो जाएंगे,
इसीलिए मैंने पूछा और इसीलिए मैंने आज आनंद दुबे को भी बुलाया। वो तो हो गए, इसीलिए मैंने आनंद दुबे को भी बुलाया। 303 तो हो गए, अब आगे बढ़ाने की तैयारी कीजिए। तो ये इस 303 में ये उद्धव ठाकरे वाले एमपी हैं या नहीं है? अब छोड़िए कौन है कौन नहीं है, कौन है कौन नहीं है, कौन आएंगे कौन जाएंगे। 293 बिल्कुल राष्ट्रपति जी के पास चिट्ठी दी हुई गई है। बहुमत जिस दिन साबित करेंगे फ्लोर पे, उस दिन एक्चुअल नंबर आएंगे। तो ये 10 और कौन से हैं, ये अदर्स में से आएंगे? थोड़ी ना माइक लेके कि हम बड़े नाजुक मोड़ पे हैं। हम चिल्लाएंगे नहीं ना कि हम बड़े नाजुक मोड़ पे हैं या वो बहुत मजबूत स्थिति में है। हम शांतिपूर्वक अपना काम करेंगे। राजनीति बड़ा शांत लोक की चीज होती है। कुछ तो हिंट दीजिए, राजनीति से राजनीति नहीं करनी। अजय कुछ तो हिंट दीजिए, बाकी 10 कौन से हैं, अदर्स में से आ रहे हैं क्या ये? अरे मैं खुल्लम खेला फरुखाबादी कह रहा हूं, आप कह रहे हैं हिंट दीजिए। मैंने 303 आपको पिछले डिबेट में बोला था, आज मैं बोल रहा हूं 303 से आगे ही बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। अरे तो ये अदर्स से आ रहे हैं ना, यही तो पूछ रहा हूं, या फिर जो इंडिया गठबंधन के हैं उनमें से आ रहे हैं? नहीं नहीं, अदर्स बहुत हैं, छोटे छोटे दल बहुत हैं इस बार। ओके निर्दलीय हैं इतने सारे, निर्दलीय तो बहुत सारे हमारे अपने ही हैं।